दोस्तों स्वागत है आज हमारी इस नई वीडियो में। गाइस आज हम बात करने वाले हैं जमशेदपुर एफसी के बारे में। सो जमशेदपुर एफसी के हेड कोच की बात करेंगे, देन उनके न्यू प्लेयर्स की बात करेंगे, देन एलसिनो के बारे में क्या रिपोर्ट है एंड एल खेती की क्या न्यूज़ेस हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले मैं बता दूं जमशेदपुर एफसी के हेड कोच की थोड़ा सा क्लू मुझे मिला जमशेदपुर एफसी से कि स्कॉट कूपर जमशेदपुर एफसी के हेड कोच हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर आप देख रहे हो कि एशिया की फॉरेन कैटेगरी के प्लेयर में आ रहे हैं, जैसे कि रीताची काबा हो गए, ऑलरेडी अपॉइंट कर दिए गए हैं, जमशेदपुर एफसी ने उनको साइन कर लिया है। देन एलसिनो की बात करें तो एलसिनो भी पक्के हो चुके हैं साइनिंग के लिए, जल्द से जल्द जमशेदपुर एफसी इन सब की अनाउंसमेंट कर देगी। देन उस अगली न्यूज आ रही है एल खेती के बारे में। सो एल खेती को भी जमशेदपुर एफसी जल्द से जल्द अनाउंसमेंट कर देगी उनकी साइनिंग की, क्योंकि सारे पेपर्स वर्क कंप्लीट हो चुके हैं, बस साइनिंग उनकी अनाउंसमेंट करना बाकी है। देन अगली बात बता दूं कि स्कॉट कूपर क्यों हो सकते हैं जमशेदपुर एफसी के हेड कोच, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर जमशेदपुर एफसी फॉरेन कैटेगरी के तौर पर एशिया से साइन कर रही है, जैसे कि जैपनीज लीग के रीताची काबा जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही साइनिंग किए गए हैं। देन अगले प्लेयर की बात करते हैं एलसिनो को भी साइन कर लिया है ऑलरेडी जमशेदपुर एफसी ने, बस अनाउंसमेंट बाकी है। देन अगली प्लेयर की बात करते हैं एल खेती की जमशेदपुर एफसी ने अनाउंसमेंट करनी बस बाकी है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है। सो इस तरीके से मुझे सिर्फ जमशेदपुर एफसी के हेड कोच का क्लू जमशेदपुर एफसी से ही पता चला है, क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर एशियन कैटेगरी के साइन हो रहे हैं, तो स्कॉट कूपर ने जितने भी मैचेस हैंडल किए हैं वो एशिया में ही किए हैं एंड पोर्टो एफसी उनका लास्ट क्लब था। सो अभी विदाउट क्लब है, तो मुझे लगता है कि जमशेदपुर एफसी जल्द से जल्द स्कॉट कूपर की अनाउंसमेंट हेड कोच की अनाउंसमेंट अनाउंस कर देगी। सो देखते हैं आगे क्या होता है, मुझे लगता है कि स्कॉट कूपर ही जमशेदपुर एफसी के न्यू हेड कोच है। आपका क्या मानना है जरूर मुझे कमेंट करके बताएं एंड रीताची काबा के बारे में मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूं, कल वीडियो आ जाएगी। सो वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि रीताची काबा की फिटनेस और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो नेक्स्ट लेवल की है, जो कि एक फॉरेन प्लेयर से भी बेटर उन्हें बनाती है। सो भूलिएगा मत, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जल्द से जल्द मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। सो टाटा बाय बाय, जम के खेलो जमशेदपुर।